भारत आंदोलन जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? जिला ऊना के अंब उपमंडल के तहत एक गांव में निशानदेही करवाने गई महिला पटवारी और कानूनगो के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को संयुक्त कानूनगो और पटवार संघ की जिला इकाई ने एकजुट होकर डीसी कार्यालय में इस मामले को लेकर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एडीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा कि राजस्व कर्मचारियों के साथ इस प्रकार की घटनाओं को कतई सहन नहीं किया जाएगा। राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी एकजुटता से इस घटना की न सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा करते हैं बल्कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की भी मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो संयुक्त पटवार कानून को संघ उग्र प्रदर्शन करेगा। पटवार कानून को संघ सरकार से मांग करता हूं कि जब भी हमारे पटवारी कानून को साथी निशानदेही के समय जाते हैं, वहां पर अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, उस समय हमें जो है पुलिस की सहायता निरंतर प्रदान की जाए, क्योंकि वहां पर जब भी निशानदेही करते हैं तो एक पक्ष हमारे फेवर में जाता है और दूसरा पक्ष हमारे एंटी जाता है। तो इसलिए लड़ाई झगड़े की आशंका बनी रहती है, हमें पुलिस सहायता उस वक्त उपलब्ध करवाई जाए। अभी हाल ही में 29 तारीख की बात है, पटवार मृत दुसाड़ा में सलूरी में पवन सैनी जी हमारे साथ से इनके साथ महिला पटवारी शिखा जी निशानदेही करने गए, वहां पर एक स्थानीय महिला ने इनके साथ गाली गलौज किया और इनके साथ हाथापाई तक नौबत आई। सो हम ऐसा कहते हैं कि जो दोषियों के खिलाफ है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। FIR दर्ज हो चुकी है, उसकी तुरंत छानबीन करके उनको अरेस्ट किया जाए ताकि एक जनता के बीच में एक मैसेज आए, आगे से हमारे किसी पटवारी कानून के साथ ऐसी आगे को पुनरावृत्ति ना हो। वहीं ADC महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि जिला के सभी SDM को इस बाबत पत्र लिखकर उचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। महिला पटवारी के साथ जो गत दिनों अभद्रता का एक प्रकरण हुआ था उसके संबंध में आज संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी और कानूनगो संघ ने अपना ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को हमने उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया है। साथ ही उनकी डिमांड जो थी कि भाई उन्हें निशानदेही करते समय कुछ मामलों में पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमने सभी SDMs को आज लेटर लिखकर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जब भी वो उचित समझे या आवश्यक समझे तो वो अपने स्तर पर संबंधित थानों में पत्राचार कर ये करें। और इस संबंध में जो पुलिस विभाग से को भी इस संबंध में हमने आवश्यक कार्रवाई के लिए जो है निवेदन कर दिया है। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।